शंकु कोण। शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। यह दो रेखाखंडों से जुड़े हुए होते हैं। शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल होता है। शंकु के शीर्ष से शंकु के आधार के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड अगर शंकु के आधार पर लंब हो तो उसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। शंकु का पृष्ठीय जाल। नीचे की शंकु की आकृतियों को देखिए। यदि हम शंकु को उसके तिर्यक ऊंचाई एवं उसके आधार के किनारे से काटकर खोलें तो वह दी गई आकृतियों के समान दिखाई देगा। शंकु के पृष्ठीय जाल में L इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड एवं R इकाई त्रिज्या वाला वृत्त सम्मिलित है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या R इकाई तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई L इकाई हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हमने चर्चा की है कि यदि हम शंकु को काटकर खोलते हैं तो हमें वक्र पृष्ठ प्राप्त होते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना होगा। शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर L इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में 2πr कोष्टक बंद गुणित L बराबर πrL वर्ग इकाई। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr वर्ग वर्ग इकाई। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल धन शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर πrL धन πr वर्ग बराबर πr कोष्टक में R धन L। अतः शंकु के संपूर्ण पृष्ठ जिसके आधार की त्रिज्या R इकाई एवं तिर्यक ऊंचाई L इकाई हो πr कोष्टक में R प्लस L है। नोट, इस शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि 2πr है। यह एक ऐसे वृत्त का त्रिज्याखंड है जिसकी त्रिज्या L है। हम जानते हैं कि छायांकित त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई तथा वृत्त की परिधि के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे पाई एल का वर्ग बराबर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बटे 2πL। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई गुणित πL वर्ग बटे 2πL। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई गुणित L बटे 2। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 2πr गुणित L बटे 2, जिससे प्राप्त होगा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर πrL, जहां 2πr वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है तथा L वृत्त की त्रिज्या है।